हाय एवरीवन, मैं हूं सवालम एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल सहजादा। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए टॉप 5 बेस्ट कैमरा एप्स लेके आया हूं, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, और वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है अभी आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, आपके मोबाइल में तो ऑलरेडी ही कैमरा ऐप है, तो क्यों आपको दूसरा कैमरा ऐप डाउनलोड करना और क्यों आपको दूसरा कैमरा ऐप यूज़ करना। तो देखो, ऐसा होता है कि जो आप मोबाइल खरीदते हो उसके साथ आपको कैमरा ऐप तो मिलता है, लेकिन वो कैमरा ऐप में उतना ज़्यादा फंक्शनैलिटी नहीं होता, उतना ज़्यादा कंट्रोल आपको नहीं मिलता। अगर आप ये सारे कैमरा ऐप डाउनलोड करते हो जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, टॉप 5 बेस्ट कैमरा ऐप, अगर इनमें से कोई भी कैमरा ऐप आप डाउनलोड करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिलने वाला है। लाइक DSLR, आप सब कुछ इसका कंट्रोल कर सकते हैं इन कैमरा ऐप्स में, और एक बेटर फोटो खींच सकते हो, आप बेटर वीडियो बना सकते हो इन कैमरा ऐप से। तो अगर आपको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अपना इम्प्रूव करना है तो आप इनमें से कोई भी कैमरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट आफ्टर दिस क्विक इंट्रो। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 5th पे जो कैमरा ऐप आता है उसका नाम है अ बेटर कैमरा। जैसा कि नाम में ही बेटर है, वैसे ही ये रियल में भी बेटर कैमरा ऐप है। जब आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसमें आपको HDR मोड मिल जाता है जिससे आप प्रोफेशनल फोटोज खींच सकते हैं हाई डिटेलिंग के साथ। इसके अलावा इसमें आपको 360 डिग्री पैनोरामा मोड मिल जाता है, इसमें आप सीक्वेंस में फ़ोटो खींच सकते हैं, सबको मर्ज करके एक बड़ा सा फ़ोटो बना सकते हैं, या फिर जो अनवांटेड चीज़ है उसको रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको नाइट मोड में वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है और ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसमें आपको प्री शूट्स का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपने कोई फ़ोटो खींचा उससे जस्ट पहले कोई मोमेंट हुआ जो आप कैप्चर नहीं कर पाए तो वो भी आपको इसमें मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक्सपोजर ब्रैकेटिंग मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको बस्ट मोड मिल जाता है जिसमें आप एक बार क्लिक करके मल्टीपल फोटोज खींच सकते हैं। इसके अलावा टाइमर मिल जाता है। इसके अलावा आप ISO कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के फोकसिंग मिल जाते हैं। यहाँ पे आप वाइट बैलेंस चेंज कर सकते हैं, इसमें आप ISO कंट्रोल कर सकते हैं, और भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं इस कैमरा ऐप में। तो अगर आप मैन्युअली कंट्रोल करना चाहते हैं अपने कैमरा को तो ये वाला ऐप काफ़ी अच्छा है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस टॉप 5 कैमरा ऐप के लिस्ट में नंबर 4th पे जो कैमरा ऐप आता है उसका नाम है कैमरा MX। जैसे इस कैमरा MX ऐप को आप डाउनलोड करते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आपको फ्रंट एंड बैक कैमरा का सपोर्ट मिलता है और इसको बहुत इजीली आप शिफ्ट कर सकते हैं एक कैमरा से दूसरे कैमरा में। इसके अलावा यहाँ पे अगर किसी सीन को परमानेंटली ब्राइट रखना है तो उसके लिए आप टॉर्च का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप परमानेंटली टॉर्च जला के रख सकते हैं इस कैमरा में। इसके अलावा आप किसी सीन को जूम करना चाहते हैं तो पिंच करके इजीली जूम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको ग्रिड लाइंस मिल जाते हैं फॉर बेटर कैमरा कंपोजिशन। इसके अलावा यहाँ पे आप शटर का जो साउंड होता है उसको भी बंद कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के फिल्टर्स मिलते हैं जो कि आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट मिलते हैं। यहाँ पे लिटिल प्लैनेट वाला इफेक्ट भी मिल जाता है, यहाँ पे पेंसिल एंड स्केच वाला इफेक्ट भी मिल जाता है, कलर स्प्लैश वाला इफेक्ट भी मिल जाता है, यहाँ पे और भी बहुत सारे इफेक्ट आपको मिलते हैं इस कैमरा में। तो अगर आपको ये सारा फीचर पसंद है, ये सारा इफेक्ट आप अपने फोटोज़ में यूज़ करना चाहते हैं या वीडियोज़ में यूज़ करना चाहते हैं तो ये वाला कैमरा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस बेस्ट कैमरा ऐप के लिस्ट में 3rd पोजीशन पे जो कैमरा ऐप आता है उसका नाम है ओपन कैमरा, और ये वाले कैमरा ऐप का नाम आपने ज़रूर सुना होगा क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर की पहली पसंद है, क्योंकि इसमें बहुत ऐसे फीचर मिलते हैं जो कि वीडियोग्राफी में काफ़ी मदद करते हैं। जैसे कि इसमें एक्सपोजर लॉक का फंक्शन मिलता है आपको, अगर आप वीडियो बनाते हैं तो कहीं पे लाइट कम होता है कहीं पे ज़्यादा होता है, तो जैसे आप कैमरा मूव करते हैं तो वैसे आपका एक्सपोजर जो है शिफ्ट होता है और आपका जो वीडियो है कभी डार्क कभी ब्राइट कभी डार्क कभी ब्राइट ऐसा होता रहता है। तो इस कैमरा ऐप में आप एक्सपोजर को लॉक कर सकते हैं तो ये वाला सीन जो है आपके वीडियो में नहीं होगा, जिधर भी आप कैमरा मूव करें सब तरफ एक जैसा आपको दिखेगा, बार बार एक्सपोजर चेंज नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग का जो एक्सटर्नल माइक यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल कैमरा ऐप अगर आप यूज़ करते हैं
तो उसमें एक्सटर्नल माइक सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इस वाले कैमरा ऐप में आप एक्सटर्नल माइक सपोर्ट करता है, एक्सटर्नल माइक यूज़ करके वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक्सटर्नल माइक है उसमें नॉइज भी कम कैप्चर होता है इस कैमरा ऐप में। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर मिलते हैं, जैसे कि आप ISO वगैरह सेट कर सकते हैं और यहाँ पे फ्रेम रेट वगैरह सब कुछ सेट कर सकते हैं, रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे फंक्शन हैं इस कैमरा ऐप में। अगर मैं गिनाने जाऊँ तो बहुत टाइम लगेगा। तो अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं YouTube वगैरह के लिए तो ये वाला कैमरा ऐप आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस लिस्ट में नंबर 2 पे जो कैमरा ऐप आता है उसका नाम है फिल्मिक प्रो वर्जन 6। और ये वाला जो कैमरा ऐप है ये फिल्मिक प्रो कंपनी जो है, जो मोबाइल लेंस बनाती है, उन्होंने डिज़ाइन करवाया है, उन्होंने बनवाया है, और ये स्पेशली उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के लिए बनाया है। जो फिल्मिक प्रो लेंस यूज़ करते हैं उनके साथ ये कैमरा ऐप यूज़ करने बोलते हैं वो लोग। बट ये प्ले स्टोर में फ्री में अवेलेबल है, आप ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि आप उनका लेंस जाके खरीदें तब यूज़ करें, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स आपको मिलते हैं, जैसे कि इसमें आपको स्टैंडर्ड, हाइब्रिड और मैनुअल शूटिंग मोड मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। इसके अलावा यहाँ पे आपको वेरिएबल जूमिंग स्पीड मिल जाता है, वेरिएबल अलग अलग स्पीड से आप इसको जूम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप फ्रेम रेट अलग अलग सेट कर सकते हैं, 60, 120 और 240, इस टाइप से आप फ्रेम रेट चेंज कर सकते हैं। बेसिकली ये अलग अलग डिवाइस पे डिपेंड करता है, अगर आपका डिवाइस सपोर्ट करता होगा तो ये सारे फ्रेम रेट्स आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप स्लो मोशन, फास्ट मोशन कुछ भी कर सकते हैं, और यहाँ पे कॉन्फिगरेबल टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग मिल जाता है। इसके अलावा ट्राई मोड हिस्टोग्राम मिल जाता है, जिसके साथ आपको वेब फॉर्म मॉनिटर भी मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको वीडियो सेटिंग में बहुत कुछ मिल जाता है, जैसे कि आप कॉन्ट्रास्ट सेट कर सकते हैं, ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं, और एक्सपोजर सेट कर सकते हैं, यहाँ पे टिंट सेट कर सकते हैं, सेचुरेशन सेट कर सकते हैं, इसके अलावा कलर टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, कस्टमाइजेबल सेव्ड पर्सनल प्रीसेट्स मिल जाता है, और एस्पेक्ट रेशियो के लिए फॉर्मिंग गाइडलाइंस ओवरलेज मिल जाता है, और भी बहुत सारा कुछ इस ऐप में आपको मिल जाता है। तो गाइज अब आ गई है बारी उस ऐप का नाम रिवील करने की जो इस बेस्ट कैमरा ऐप के लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पे है। और नंबर 1 पोजीशन पे जो कैमरा ऐप है उसका नाम है मोमेंट प्रो। और ये वाला जो कैमरा ऐप है ये मोमेंट जो लेंस बनाती है, मोबाइल लेंस कंपनी, उन्होंने डिज़ाइन कराया है, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के लिए डिज़ाइन कराया है। जो मोमेंट लेंस खरीदते हैं उनको यूज़ करने बोलते हैं ये वाला कैमरा ऐप। और ये वाला कैमरा ऐप आपको फ्री में मिल जाएगा प्ले स्टोर में, और बहुत ही अच्छा कैमरा ऐप है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जाके मोमेंट लेंस खरीदो, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको बहुत बढ़िया बढ़िया फीचर्स मिलता है जो कि आप यूज़ कर सकते हो इस कैमरा ऐप में। जैसे कि इसमें आपको एनामोर्फिक डीस्क्यूजिंग मिल जाता है, ये वाला फीचर ना बहुत अच्छा फीचर है जो आपको किसी भी कैमरा ऐप में नहीं मिलेगा। ये वाला फीचर क्या है, जो नॉर्मल वीडियो शूट करते हैं हम 16:9 के रेशियो में शूट करते हैं, यूट्यूब वगैरह में देखते हैं तो वो 16:9 के रेशियो में होता है, लेकिन जब आप कोई सॉन्ग्स या मूवीज वगैरह देखते हैं तो वो 16:9 के रेशियो में नहीं होता, उसका चौड़ाई कम होता है, लंबाई ज़्यादा होता है। तो ये वाला जो कैमरा ऐप है ना उस रेशियो में आपको वीडियो करके दे देगा। तो इसमें आपको एडिटिंग में ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल वैसा फोटो आपको एकदम वाइड स्क्रीन वाला जो है वीडियो बना के दे देगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको फोकस पिकिंग मिल जाता है, जेब्रा स्ट्राइप्स मिल जाता है, RGB एंड ल्यूमिनेंस हिस्टोग्राम मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे स्प्लिट फोकस एंड एक्सपोजर मिल जाता है, यहाँ पे आप रॉ में भी फोटोज वगैरह खींच सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको आप कैमरा को मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे ISO चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप उसका एक्सपोजर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप वाइट बैलेंस चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप फोकस चेंज कर सकते हैं, बहुत सारा कुछ जो है मैनुअल कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग वीडियो प्रीसेट्स आपको मिल जाते हैं इस कैमरा में पहले से। तो ये कैमरा ऐप जो है नंबर 1 पे है, और मुझे लगता है ये वाला बेस्ट कैमरा ऐप है, तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये लिस्ट जो बेस्ट कैमरा ऐप का है वो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दो लाइक, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज में, और कमेंट में मुझे लिख के भेजो कि अगर कोई और कैमरा ऐप छूट गया इस लिस्ट में जो कि इस लिस्ट में होना चाहिए, तो वो मुझे कमेंट में बताओ, और मुझे ये सारे कैमरा ऐप यूज़ करके बताना कौन सा आपको बेस्ट लगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।